नमस्कार आदाब प्रणाम गोड़लागतनी और काव्यांजलि मेरुगा लोग के स्वागत करता नहीं अभिनंदन करता नहीं भाई सब एक बार काबिल के एगो अमेरिकन हिंदुस्तान में अइले कहले कि बहुत बड़ा देश बा यहाँ अलग अलग सूबा बा अलग अलग कल्चर बा अलग अलग लोग बाड़े तो यहाँ के पहचान का बा हम एक कहानी में अपना मेहमान लोग के भी शामिल करता नहीं जी कि यहाँ के पहचान का बा तो एगो आदमी मिलने वो बतैले कि सुने काम करो वो देखो एक जनावर तेरे बाबा तनी जाके तारा मूछ तो नहीं खे लेकिन फिर भी जाके उनका पछताव दी है बाबा हरियाणा के हुए तो अमेरिकन सीमा जी वहाँ गया अमेरिकन पहुँच ले और जाके बाबा के सामने मूछ पर ताव दे ले बाबा पटक के मारे लगे अमेरिकन लौट के आई कहले कि अरे तुमने तो मुझे पिटवा दिया बोले ओह सॉरी 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 अच्छा देखिए वो एक पगड़ी बांधे सज्जन आ रहे हैं एक काम करो कि उनको जाके बोलो कि 12 बज गए तो अमेरिकन वहाँ पहुँचल पगड़ी वाला के पास कलस के 12 बज गए हैं वो सरदार जी पटक के मर ले उनके 12 बजा दिए फिर वापस आ गया कहले कि अरे यार तुम बार बार पिटवा रहे हो वो भी आदमी मुझे पीटा तो कहले कि इसी को सरदार कहते हैं बोले अच्छा एक बात बताओ एक तो हरियाणा वाला तुम बताए कि वो हरियाणवी है ये बताए कि सरदार है और बहुत नाम सुना हूँ बिहारियों का बिहारी क्या होता है बोले इतने देर से पिटवा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा बिहारी क्या होता है चलिए तो एगो हंसी मजाक की बात भइल हिंदुस्तान में जैसे अलग अलग सूबा बा अलग अलग कल्चर बा अलग अलग वहाँ के रंग ढंग तीज त्यौहार बा वैसे ही काव्यांजलि में हमार कोशिश रहेला कि अलग अलग किस्म किस्म के फूल खिलाई हमरा महफिल में तीन गो फूल खिलल बाज हमरा दाहिने तरफ बानी हास्य व्यंग के बासाह बासाह प्रेमी रुवालों के चीर परिचित कवि बानी एक बार जोरदार ताली से मधुकर जी रुवा बहुत गंभीर बानी और यहाँ के बगल में मनीष मधुकर जी रहे वाला वैशाली के बानी मनीष जी रुआ ए कविता के लेखन कब शुरू करनी मनोज जी 16 साल की उम्र से कविता लिखना शुरू किया 20 साल की उम्र में मेरी पहली पुस्तक आई कविता संग्रह जिसका संपादन भारत की पहली महिला IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने किया था हमें अपना फर्ज निभाना है जी हम बता दिए पर्चे में और ऐड कर दिए कि यहाँ के दिल्ली पुलिस में बानी लोग कहेला कि पुलिस के अंदर वो संवेदना ना होला कुछ लोग कहेला कि बच्चों की सख्त होला ई हृदय कहाँ से आई कविता वाला रुआ सामने मनीष मधुकर उदाहरण के रूप में ताली बजा के एक बार मनीष स्वागत किया जाओ डॉक्टर सीमा गुप्ता प्रोफेसर रहनी लेकिन अभी परिवार की सेवा में लागल बानी सृजन यहाँ के चालू बा रहे वाला बुलंदशहर के बानी लेकिन अभी ग्रेटर नोएडा में बानी यहाँ के भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाओ और चली अब जाना खातिर वाला आइल बने वो शुरू करिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल काव्य पाठ के सिलसिला शुरू करता नहीं अब हम भाई मनीष मधुकर जी का आमंत्रित करता नहीं चूंकि वहाँ के छंद के आदमी है गजल के आदमी है तो एगो शेर से वहाँ के आवाज देता नहीं स्वागत है हम आपन एगो शेर सुनावता नहीं जी 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 कि जिंदगी के सांच से जी जिंदगी के सांच से महरूम बाटे जे गजल जिंदगी के सांच से महरूम बाटे जे गजल ओ गजल के हम भला भावुक गजल कैसे क्या बात है क्या बात है क्या बात है उम्मीद बा कि भाई मनीष मधुकर जिंदगी के सच्चाई वाला गजल पढ़े छंद देव हम बड़ा आदर के साथे भाई मनीष मधुकर के आवाज देता नहीं भाई मनीष मधुकर बड़ी भावुकता के साथ बड़े भाई मनोज भावुक जी ने कहा तो आया हूँ आपके बीच आज बादशाह भाई बैठे हैं उनकी दुबली पतली हालात को देख के लगता है इनको ससुराल से ज़्यादा प्रेम रहा होगा और इधर पूर्वांचल के लोग चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मुझे लगता है एक आध बार भाई चुनाव भी हारे होंगे इसलिए हास्य कवि हो गए हैं बादशाह भाई की तरह एक भाई नया नया चुनाव हारे और उनके ससुराल से खत आता है कि मैं पूरे परिवार के संग आता हूँ एक छंद देता हूँ भैया स्वागत स्वागत कि पूरा परिवार संग आरली हाँ जी जाजी हम सूचना पठावल सा हमरा के खत से अमेहरी जब खबर देहलस हमरा के मन कैलस जाके अभी कूद जाऊं छत से कि बारी हम चुनाव हारल
बारी हम चुनाव हारल फिरत हम मारल मारल हाथ धोल बानी अपन सगर दौलत से अहे प्रभु तहरा से विनती करत वानी हमरा बचालब औरी दुर्गत से बचालब औरी दुर्गत से। एक मुक्तक कहता हूँ, स्वागत है। इस तरह से दवा कीजिए इनके मुंह पे हवा कीजिए आशिकी के मरीज है हुजूर इनको जूता सुंघा दीजिए इनको जूता सुंघा दीजिए। आइए मित्र, एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ। ये जो मनोज भैया बैठे हैं इनको हम प्यार से भोजपुरिया भैया कहते हैं, और ये काव्यांजलि का जो ये सेट सजाया है इन्होंने, तरह तरह के तमाम चीजों को इकट्ठा किया है, इसी पे गीत है। स्वागत स्वागत है। कैले हैं भोजपुरिया भैया वाह 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 वाह। कैले हैं भोजपुरिया भैया लेके तरह तरह के माल। आइले हैं भोजपुरिया भैया लेके तरह तरह के माल। आई काव्यांजलि में आई काव्यांजलि में कर ली हमनी मिलके यहाँ धमाल। आइले हैं भोजपुरिया भैया बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और माझी जी के सपना टूटल माझी जी के सपना टूटल माझी जी कि माझी जी के सपना टूटल डूब गयल जब नाव पूरा राज मंगले रहलस मिलल न एक गाँव पूरा राज मंगले रहलस मिलल न एक गाँव जब से कुर्सी छूटल बारे बारे बहुत बहुत बेहाल। अले हैं भोजपुरिया भैया लेके तरह तरह के माल। दिल्ली के का हाल बताई हम तोहरा के भाई दिल्ली के का हाल बताई हम तोहरा के भाई। और सब पे झाड़ू फेर ले बाटे मुफत के वाई फाई सब पे झाड़ू फेर ले बाटे मुफत के वाई फाई। अब मुफ्तखोरी के चक्कर में हल जनता बड़ा बेहाल। अले हैं भोजपुरिया भैया लेके तरह तरह के माल। तरह तरह के माल में बादशाह जी कुछ माल बिहार आ दिल्ली के राजनीति के भी रहा जौना में राजनेता लोग पर व्यंग कल गया बात चमचा के भी भइल हा। जब नेता आ चमचा के बात होला तो ऐसा समय में तंग साहब के याद आवला। तंग साहब के एगो शेर बा जी जी स्वागत स्वागत। वफा को मैं जफा लिखूं जफा को मैं वफा लिखूं सुलगती धूप की किरणों को सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है बहुत सुंदर। मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। अच्छा है बढ़िया है। तब परिवेश जौन राजनीति के आ सियासत के बनल बा वो परिवेश पर भाई मनीष मधुकर मीठा मीठा ही लेकिन बड़ा तीखा वार कैले हन मतलब मिठाई में मरीचा भर के लग भी यार लाल मिर्ची जैसा ही रहे। एक ने पूछा कितना कैश जोड़ लाई हो सबने यही पूछा क्या क्या लाई हो दुल्हन सबने यही पूछा क्या क्या लाई हो दुल्हन। किसी ने ये ना पूछा क्या क्या तुम छोड़ आई हो किसी ने ये ना पूछा कि क्या क्या तुम छोड़ आई हो।